अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग्स मान व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। कैसे आप सब, ठीक है? तो जी हां गाइस, आप सबको मेरी तरफ से दूसरा रोजा मुबारक हो। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आप सबका पहला रोजा बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा और उम्मीद करता हूं कि आप सबका ईमान और ज्यादा ताजा हो गया होगा और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक इस महीने हमें सारे रोजे रखने की तौफीक अता करे और हमारी दुआ को इबादतों को कबूल करे। या गाइस, अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आप लोगों को तो पता है कि घर की खवातीन की ड्यूटीज और डबल हो जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जो खवातीन है, आपकी बहन, भाभी, बीवी, आप लोग उनकी हेल्प किया करें क्योंकि उनका भी रोजा होता है और ये सुन्नत नबवी है। अच्छा, तो यार मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोग शहरी में खाना क्या क्या पसंद करते हैं, क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आता लोग शहरी में पराठे क्यों खाते हैं। मैं तो यार पराठे खाकर मेरा दिल भर गया। जी हाँ गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाए, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरे हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। आपका भैया आपके लिए इतनी मेहनत करके इतने इतने अच्छे कंटेंट बनाता है, आप लोग यार लाइक ही नहीं कर रहे, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। तो जी हाँ गाइज, शहरी का टाइम हो गया है, तकरीबन 3 बज गए और चलते हैं आपको दिखाते हैं कि शहरी में आज क्या बन रहा है। गाइज आज आपके भाई का फेवरेट ऑमलेट बन रहा है आपके भाई की फरमाइश पे, तो चलिए देखें। तो जी हाँ गाइस, आज आपका भैया आपको शहरी की हर अपडेट देगा। तो जी हाँ गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि आप अपनी फैमिली में जो भी आपकी खवातीन है, बहन है, भाभी है, जो भी है, उनके साथ रमजान में हेल्प किया करें क्योंकि उनके डबल ड्यूटीज हो जाते हैं। तो इसी के साथ मुझे देखिए, मैं भी हेल्प कर रहा हूँ आप। गाइस देखो यार, माशाल्लाह कितना कलरफुल ऑमलेट लग रहा है, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। तो जी हाँ गाइस, सैरी आ गई है, सैरी करते हैं, तो सैरी करके फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. गाइस आपके भाई ने सैरी कर ली है, सैरी थोड़ा जल्दी हो गई है तो अभी हमने लगाई है सूर्य रहमान, सूर्य रहमान सुनते हैं, ठीक है? होया वो याहूद और मरजान है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान फबिअय्यि नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और उन बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम अपने
अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। 2000 years later, a few moments later. जी अगर नमाज का टाइम हो गया तो आपका भाई पढ़ने लगा नमाज, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। जी अगर आपके भाई ने पढ़ लिया नमाज तो अब आपका भाई जाएगा सोने, इंशाल्लाह ताला आपसे अफतारी में मिलते हैं, सहरी आपके सामने है तो इंशाल्लाह ताला अफतारी में आपसे मुलाकात होगी। जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। तो बताया मुझे आज का दिन आपका कैसा गुजरा, रोज़ा कैसा जा रहा है? आपके भाई का तो रोज़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आज का दिन जा रहा है और रोज़ा भी बहुत अच्छा जा रहा है। बस अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, अल्लाह पाक ने आपके भाई को तौफीक दी है रोज़े रखने की। अभी आपके भाई ने असर की नमाज़ पढ़ी, नमाज पढ़ के अपने अवाम के लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए आसानियाँ पैदा कर, उनको रोज़े रखने की तौफीक अता कर, उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनके सब गुनाह माफ़ कर। और इसी के साथ अभी अफ्तार में तकरीबन एक घंटा आएगा और आपकी भाभी अफ्तारी तैयार कर रही है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं कि भाई अफ्तारी में आज क्या बन रहा है। गाइस अफतारी का टाइम हो गया, तो ये आपके भाई की अफतारी चेक कर लो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अफतारी करते हैं, तो अफतारी के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रोज़ा खुल गया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आ गए, जैसा कि आपके भाई ने अफ्तारी कर ली है, अब बस नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के तो फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस आपके भाई ने पढ़ ली है नमाज़, अब आपका भाई करने जा रहा है रेस्ट, तो फिर मिलते हैं आपको इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग में।